Hello everyone, today I am going to discuss the presentation of data. In this part, unit number 2 of statistics of ectomics, this is video number 5. मैंने अभी तक यूनिट 2 में 4 वीडियो बनाई हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इसे चेक कर लो. स्टूडेंट, अगर स्टार्टिंग से वीडियो सीक्वेंस में देखोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. Presentation is a very wide and very important topic. In this, I am going to cover textual as well as the tabular presentation. In the tabular, I am going to cover components, format and features of table. In the next video, I will cover type of tables and bar diagram and pie diagram. Let's start with the topic. Presentation of data means how we present the data. Whether in the form of diagram, whether in the form of table, whether in the form of textual. Presentation of data means exhibition of data in such a manner, then clear and attractive manner, that these are easily understood. This is the most important motive behind the presentation of data, so that easily understand by each and everyone and analyze. Aram se hum use analyze kar paye. There are many form of presentation of data. Kai sari form hai ki hum use kaise present karenge. Jaise maine abhi bataya ki hum table ke form mein bhi present kar sakte hain, hum diagram ke form mein bhi present kar sakte hain, hum textual form mein bhi present kar sakte hain. Presentation of data divide into three part कि how we present the data. One is textual, हम लिख के उसे बता सकते हैं, table की form में हम बता सकते हैं, graphical यानी कि हम diagram की form में वहाँ पर उसे बता सकते हैं. Let's discuss about the textual presentation. इस video में मैंने textual और tabular presentation को लिया है. आपके syllabus में tabular presentation given है, तो textual का meaning मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, और जो tabular हम करेंगे वो हम detail में बात करेंगे. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डेटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी. यानी कि हेयर वी डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट. हम ये बात करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और वो क्या बताना चाहता है. हम रिटन में, टेक्सचुअल फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में उसे वहाँ पर बताएंगे. सच अ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. यानी कि हमने डिस्क्राइब कर दिया उसे. Example, in a strike call given by the trade union of shoe making company in the city of Delhi, उन्होंने कहा कि एक स्ट्राइक है वहाँ पर, ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कॉल किया है कि हम स्ट्राइक करेंगे शू मेकिंग कंपनी में दिल्ली में. तो वो क्या कह रहे हैं, 50% ऑफ द वर्कर रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी. तो उसमें क्या हुआ, 50% जो वर्कर है वो रिपोर्ट कर रहे हैं ड्यूटी में, और जो टू इंडस्ट्री हैं आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज इन द सिटी वर टोटली क्लोज. उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इतनी इंडस्ट्री में से इतनी क्लोज हैं और इतने लोग ड्यूटी पे आएंगे, इतने लोग नहीं आएंगे. दिस इज़ अ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. हमने टेक्स्ट की फॉर्म में वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो इजी टू अंडरस्टैंड कम होता है एज़ कंपेरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. अब हम बात करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन, जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बाद. टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है? इन द प्रोसेस ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम. यहाँ पे हम रो एंड कॉलम की बात करेंगे. हम कहेंगे कि रो एज वेल एज द हम कॉलम के अंदर वहाँ पे डाटा को प्रेजेंट करेंगे, सो दैट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन. द प्रोसेस इज नोन एज द टेबुलर प्रेजेंटेशन. ठीक है, द मैथड यूज इज नोन एज द टेबुलेशन, प्रेजेंटिंग डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ टेबल. उसे हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं, जब हमने रो एंड कॉलम की हेल्प से वहाँ पर अपने डाटा को प्रेजेंट कर देते हैं. जैसे हमने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ का सर्वे करना है, तो मैंने कहा कि मेल इज़ देयर, फीमेल इज़ देयर, तो मैंने वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. मैंने जेंडर बेस पे इन्हें डिवाइड कर दिया. ठीक है, फिर हम उसको एजुकेटेड अनएजुकेटेड, तो हमने उसको एक टेबुलर फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. अब हम बात करते हैं कि जब हम टेबल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आएंगी, क्या क्या कंपोनेंट एक टेबल के होंगे. ये नहीं कि हमने डायरेक्टली एक टेबल बना दिया, लेकिन उसके अंदर सो मेनी फैक्ट्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स आर देयर जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे हमारे डाटा को. जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. फर्स्ट है टेबल नंबर. जब भी हम टेबल्स बनाएंगे तो कई सारी टेबल हो जाती हैं एक एनालिसिस को जब हम करते हैं, तो हम वहाँ पे एक टेबल नंबर देंगे. जैसे हम कहते हैं टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, जब हम ये भी कह सकते हैं एक ही टेबल के आगे पार्ट है तो 1.1, 1.2, इस ढंग से भी हम वहाँ टेबल का नंबर देंगे, तो इजीली हम वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमें कौन से टेबल की वहाँ पे बात हो रही है. नहीं तो हमें 1 to 10 सारे टेबल वहाँ पे देखने पड़ेंगे. दीज नंबर मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एज अ टेबल. जैसे जैसे हम टेबल बनाते जाएंगे उसी में हम उन्हें नंबरिंग करते जाएंगे. नंबर फैसिलेट द लोकेशन ऑफ द टेबल. इससे हमें पता चलेगा हमारा टेबल कौन से लोकेशन पे है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
नेक्स्ट जो कंपोनेंट आ जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, टाइटल ऑफ द टेबल, जिसे हमें पता चलेगा कि इस टेबल के अंदर हमने क्या लिखा है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने जेंडर वाइज एक टेबल बना दिया, मैंने इनकम वाइज एक टेबल बना दिया, तो वहाँ पे हमने अलग अलग टाइटल वहाँ पे डिसाइड कर लिए, तो वहाँ पे हमें इजिली पता चल जाएगा कि इस टेबल के अंदर वट वी गोइंग टू कैलकुलेट और एनालाइज। द टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स, जो टाइटल होता है वो बोल्ड लेटर में वहाँ हम लिखते हैं, और वो जो टाइटल होगा वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टाइटल होगा तो वो ऐसे ही क्लियर नहीं होगा, तो वो शॉर्ट हमें वहाँ पे होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, या एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। जब जो गुड टाइटल है मस्ट रिवील द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, वो बताना चाहिए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइम पीरियड की हमने वहाँ पे स्टडी की है, वो टाइटल में मेंशन होगा। जैसे हम ब्रैकेट में दे देते हैं ना 2019 to 2020, जो हम एक फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं, प्लेस ऑफ स्टडी हमारा कौन सा है इसके अंदर। जैसे हम कहते हैं एक पर्टिकुलर स्टडी की हमने चरखी दादरी की, तो वहाँ पे मेंशन करेंगे नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। मैंने अभी आपको बताया कि मेल एंड फीमेल हमने जेंडर बेसिस पे वहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया। अ गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, एक गुड टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए लेकिन हर रिस्पेक्ट से वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर टाइम भी होगा, उसके अंदर प्लेस भी होगा, हम बताएंगे किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया और हमारी प्रॉब्लम हमने इसके अंदर क्या डिस्कस की है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेड नोट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें वहाँ पे एक हेड नोट वहाँ पे देंगे। इफ़ द टाइटल ऑफ द टेबल डजेंट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कई बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारा जो टाइटल है वो नहीं दे पाता, इट इज़ सप्लीमेंट विद द हेड नोट, हेड नोट कंप्लीट्स द इन्फॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, यानी कि वहीं पे हम एक हेड नोट दे देंगे। द यूनिट ऑफ डाटा इज एक्सप्रेसेस, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमने पॉपुलेशन का स्टडी करना है, ठीक है, हमें वेट का स्टडी करना है, हमें इनकम का स्टडी करना है, ठीक है, हमें प्रोडक्शन का स्टडी करना है, तो हम वहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर हम वहाँ हेड नोट दे देंगे। जैसे हम कहते हैं ना लैक देते हैं, करोड़ का दे दिया हमने, टन्स का दे दिया, तो वहाँ पे हेड नोट हम टाइटल के साथ ही देंगे। कई बार हम टाइटल में मिस कर जाते हैं, तो हम वहाँ हेड नोट के अंदर वो जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी टाइटल वाली, वो हेड नोट के अंदर वहाँ देंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने स्टब्स है, होता है स्टब्स आर द टाइटल ऑफ द रो ऑफ अ टेबल, यानी कि हमने जो भी रोज बनाई हैं उसका हम एक टाइटल दे देते हैं, ठीक है, जैसे हर रो का। जैसे मैंने कहा कि मैंने कैटेगरीज वहाँ पे डिवाइड कर ली, तो मैंने वहाँ पे एक रो ली, डिफरेंट डिफरेंट हम रो लेंगे ए बी सी डी ई, तो हम उसका वहाँ पे एक टाइटल दे देंगे जिससे रिलेटेड हमने उस रो के अंदर डाटा मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैप्शंस, कैप्शंस होते हैं जो टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ द टेबल, हमने अभी मैंने आपको बताया था मेल है फीमेल है, मैंने वहाँ पे दे दिया। अब उसमें से मैं अगर रो की बात करूँ तो मैंने कहा लिटरेट है या इलिटरेट है पर्सन है, तो मैंने रो का टाइटल वहाँ दे दिया, कितने मैन हैं जो लिटरेट है, कितने वीमेन है जो लिटरेट है, तो इस टाइप से ये रो का हो गया, तो ये स्टब्स हो गया, और जो हम कॉलम का देते हैं वो हमारा कैप्शन हो गया। बॉडी क्या होता है, बॉडी ऑफ अ टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ आइटम इन द टेबल, यानी कि हमने टेबल के अंदर जितनी भी आइटम्स ली हैं, ठीक है, हमने ये सारी आइटम टेबल के अंदर ली है, ये इसकी बॉडी हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक टेबल का, इट इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम इन द टेबल, ये बताता है डिफरेंट आइटम बताया। जैसे मैंने अभी बात की कि लिटरेट कितने मेल हैं, कितनी फीमेल है, इलिटरेट कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है, और वहाँ पे हम टोटल लेके चलेंगे दोनों से, सो दैट और इन जो ये हमारा एक बॉक्स बन गया, इसको हम वहाँ पे सेल की बात करते हैं, आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड द सेल। नेक्स्ट वन इज़ फुट नोट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फुट नोट क्या होता है, हम नीचे देते हैं और उसमें क्लैरिफिकेशन देते हैं ऑफ द रीडर, गिवन फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ रीडर, दीज आर जनरली गिवन विद इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंट। कई बार हम टेबल के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हम वहाँ पे एक फुट नोट, जैसे हमने कोई भी एक वहाँ पे एक साइन बना दिया और वहाँ पे वही साइन हमने वहाँ बनाया जो वर्ड वहाँ पे मेंशन है, क्योंकि हमने उसका मीनिंग वहाँ नीचे फुट नोट के थ्रू कर दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, तो हम वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज़ सोर्स, सोर्स क्या होता है कि हमने डाटा कहाँ से लिया। जैसे मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था पहले वीडियोस में कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा जो हम पहली बार कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। अगर हम जो भी डाटा वहाँ पे यूज़ करते हैं, व्हेन टेबल आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा, जैसे हमने किसी न्यूज़पेपर से डाटा को ले लिया, मैंने किसी मैगजीन से ले लिया, या पहले के कोई डाटा कलेक्ट था मैंने वहाँ से डाटा ले लिया, तो जो भी हमारा पहले का डाटा होता है हम उसको वहाँ पे सोर्स लिखेंगे, तो स्पेसिफाई बिलो द फुट नोट, पहले हम फुट नोट देंगे उसके नीचे हम लिखेंगे सोर्स, सोर्स लिखने के बाद हम वहाँ पे वो सोर्स दे देंगे कि हमने www जो भी हमारा है जैसे किसी साइट से लिया, तो हम वहाँ पे उसे मेंशन करेंगे।
नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ टेबल. ये कम्प्लीट एक फॉर्मेट है टेबल का. जैसे हमने कहा कि ये हमारे सेल्स हो गए हैं, ठीक है, ये हमारे रो हेडिंग हमने यहाँ दे दिए, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टब्स कहेंगे. हमने कैप्शंस दे दिए, जो हमने कॉलम्स की यहाँ पे बात की थी. ये हमारी कंप्लीट बॉडी हो गई. यहाँ पे हमने फुट नोट दे दिया और ये हमारा सोर्स ऑफ डाटा हो गया. टेबल नंबर हम वहाँ पे देंगे जो हमने बात की थी, 1, 2, 3 हमारा टाइटल आ जाएगा, हेड नोट वहाँ पे आ जाएंगे. आई थिंक यू क्लियर विद दिस कि कंप्लीट हम फॉर्मेट कैसे करेंगे टेबल को. सबसे पहले तो हम टेबल नंबर वहाँ पे देते हैं, सेकेंड हम वहाँ पे उसका टाइटल देते हैं. मैंने आपको बताया टाइटल क्लियर और सिंपल होना चाहिए. जो हमने टाइटल में इनकम्प्लीट कर दिया वो हम कम्प्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द हेड नोट. स्टब क्या होती है हमारी, जो हमारे रो के हेडिंग होते हैं और कॉलम के जो हेडिंग होते हैं उन्हें हम कैप्शन कहते हैं. फुटनोट हम नीचे देंगे और साथ के साथ हम वहाँ पे सोर्स मेंशन कर देंगे. और ये जो हमारा सारा स्ट्रक्चर है ये हमारा बॉडी ऑफ द टेबल कहलाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ गुड टेबल. ठीक है, क्या नेचर होता है टेबल्स का, क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिसके बेसिस पे, तो हम यहाँ पे फीचर डिस्कस करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. जब भी हम फीचर्स की बात करेंगे या नेचर की या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. जब भी हम एक कोई भी टेबल बनाएंगे वो डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे मुझे एज वाइज कोई स्टडी करनी है तो मेरा टाइटल या टेबल उससे रिलेटेड होगा. इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द विजडम ऑफ सेटिस्फेक्शन. कई बार हम कह रहे हैं कि हमें जो हमारा टेबल है वो हम जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड होना चाहिए. देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि मुझे मेल और फीमेल यहाँ पे लेना, मैं यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल ले सकती थी और उसके अकॉर्डिंग मेरा टेबल चेंज हो सकता था. तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो भी हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द फीचर. क्या क्या है? फर्स्ट वन इज जो टाइटल है वो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वहाँ पे होना चाहिए. टाइटल ऑफ अ टेबल मस्ट बी प्रोवाइड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल, जो हमने अभी डिस्कस किया था. और वो कंपेटिबल होना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उससे मैच खाता हुआ हमारा टाइटल होना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू जज इन दैट पर्टिकुलर टेबल. नेक्स्ट इज कंपैरिजन. आइटम विच आर टू बी कंपेयर विद ईच अदर शुड बी प्लेस इन रोज एंड कॉलम क्लोज टू ईच अदर, दैट फैसिलेट द कंपैरिजन. जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात की कि मैंने यहाँ मेल लिया, यहाँ फीमेल लिया, यहाँ मैंने लिटरेट लिया, यहाँ मैंने इलिटरेट लिया, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कितने मैन हैं जो लिटरेट हैं और कितने इलिटरेट हैं, और कितनी फीमेल हैं जो लिटरेट हैं और कितनी इलिटरेट हैं. तो हम वहाँ पर कंपैरिजन वहाँ पर हम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज स्पेशल इंपॉर्टेंस. जहाँ पे हम देंगे आइटम इन द टेबल विच नीड स्पेशल इंपॉर्टेंस शुड बी प्लेस इन हेड रोज, जो भी हम टॉप अबव और हेड कॉलम, तो हम वहाँ पे बोल्ड फिगर में उन्हें वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे. जो हमें टॉप मोस्ट वहाँ पे स्पेशल वहाँ पे रखना है. जैसे मैंने कहा कि रो का मुझे हेड रखना है, कि मुझे जो कंपैरिजन करना है वो पर्टिकुलर रो का करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. और फिर मैंने वहाँ पे सब हेडिंग वहाँ पे बना दिए, तो जो मेरा मेन हेडिंग था, स्टब था, वो मेरा वहाँ पे बोल्ड रहेगा. आइडल साइज. टेबल मस्ट बी आइडल साइज टू डिटरमाइन एन आइडल साइज. टू डिटरमाइन एन आइडल साइज ऑफ अ टेबल रफ ड्राफ्ट और स्केच मस्ट बी ड्रॉ. ये नहीं कि हम सीधा ही टेबल बनाने लग जाएंगे. पहले हम अपना माइंड बनाएंगे कि हमें रोज़ में किसको लेना है, जहाँ रोज़ में जैसे हमने ज़्यादा रोज़ ले लीजिए, हमें कॉलम में किसको लेना है. तो हम अपना एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे और उसके बाद हमें पर्टिकुलर टेबल को वहाँ पे स्टैंड करेंगे. नेक्स्ट आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू. स्टब्स. स्टब्स क्या होता है? हम वहाँ पे स्टब्स में भी गिवन एट राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल. अगर हमारे रोज़ वहाँ पे लंबी हो तो हम उन्हें राइट हैंड साइड. स्टब क्या होता है? जो हम रो को एक टाइटल देते हैं. नेक्स्ट इज़ ज़ीरो. तो कई बार हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आता, हम कहेंगे येस सर नो, हमने दे दिया, लेकिन सम पर्सनस आर नॉट गिविंग एनी रिस्पांस. जब हमारे पास वहाँ पे रिजल्ट ही ज़ीरो आते हैं. ज़ीरो शुड ओनली बी यूज टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल. हम क्वांटिटी के लिए हमेशा यूज़ करते हैं. हमने कहा कि 10 लोगों से हमने बात की और जो येस वाले नो वाले थे वो ज़ीरो हैं, और 10 के 10 ने वहाँ पे येस कर दिया कि दे आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं कि अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट, वहाँ पे येस सर नो हमने लिया था, कितने लोग अवेयर है, तो 10 के 10 अवेयर है. तो जीरो यहाँ पे हो गया कि कोई भी अवेयर नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी के लिए हम वहाँ पे यूज करेंगे. इट शुड नॉट बी यूज टू इंडिकेट द नोन, यानी कि हमें वो डाटा नहीं मिला, हम उसके लिए वहाँ पे शो नहीं करेंगे. वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हमेशा एन ए लिखते हैं, जहाँ वहाँ पे हम डैश बना देंगे. ठीक है, हम यहाँ पे ज़ीरो मेंशन नहीं करेंगे, यानी कि हम वहाँ पे लिखेंगे हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं था, जहाँ हम वहाँ पे डैश कर देंगे, माइनस का साइन हम वहाँ पे कर देंगे. दिस इज़ अ वे कि हाउ वी रिप्रेजेंट द टेबल. नेक्स्ट हम लेके चलते हैं हेडिंग. हेडिंग शुड बी जनरली बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म हम वहाँ पे लेके चलेंगे. जैसे हमने गुड्स की बात की, तो हम वहाँ पे कॉलम के अंदर गुड्स नहीं लिखेंगे, हम गुड लिखेंगे.
ठीक है. नेक्स्ट इज़ एब्रीवेशन. कई बार हम एब्रीवेशन यूज़ कर देते हैं किसी भी चीज़ का, तो शुड बी अवॉइडेड इन द हेडिंग और सब हेडिंग ऑफ द टेबल. वहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें कंप्लीट उसका एब्रीवेशन क्लियर करके वहाँ पे हमें बतानी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी. जहाँ हम फुटनोट में वहाँ पे क्लियर करें, फुटनोट शुड बी गिवन इफ़ नीडेड. फुटनोट अगर देना चाहते हो आप दे दो. अगर टेबल में ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड आपने यूज़ किया है तो आप फुटनोट के थ्रू वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, किसी फार्मूला को क्लियर कर सकते हो. ठीक है. यूनिट्स मे बी स्पेसिफाई अबव द कॉलम. जो हमारे यूनिट्स हम लेके चलेंगे वो हम कॉलम से अबव देंगे कि कितने यूनिट्स हमने किस फॉर्म में यूनिट्स लिए हैं. मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि लैक्स में है, करोड़ में है, तो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे इन यूनिट्स जो भी है. टोटल इन द टेबल सब टोटल ऑफ आइटम मस्ट बी गिवन एट एंड ऑफ द ईच रो. मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा मैंने एक टेबल बनाया है, लिटरेट है, इलिटरेट पर्सन है, मेल है और फीमेल हमने वहाँ पे ले लिया. एंड में हम वहाँ पे टेबल लेके चलेंगे. यहाँ पे भी सेम हम एक टेबल लेके चलेंगे. ठीक है. जिससे हमें जो ग्रैंड टोटल ऑफ आइटम मस्ट बी नोटेड, जो ग्रैंड टोटल है वो वहाँ पे नोटेड होना चाहिए, सो दैट आर माइंड इज़ क्लियर अबाउट दैट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सिंपल. लाइक हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ रेशियो की बात करेंगे. ठीक है. परसेंटेज ऑफ रेशियो क्या हो गया? परसेंटेज फिगर शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल. यानी कि अगर हमें कोई चीज़ परसेंटेज में बतानी है, हम कहेंगे आउट ऑफ 100% 50 लाइक दिस और नॉट, या 20% लाइक दिस दिस प्रोडक्ट और नॉट. ठीक है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द रेशियो. इफ़ पॉसिबल दिस मेक्स द डाटा मोर इन्फॉर्मेटिव. उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी. सेकेंड इज़ हम कई बार कह देते हैं ना अप्रॉक्सीमेशन, हम वहाँ पे यूज़ कर देते हैं. अगर हम उसे यूज़ करते हैं, द एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन मस्ट बी नोटेड. वहाँ पे हम नोट करेंगे कितना अप्रॉक्सीमेट हम उस फिगर को लेके जा रहे हैं. नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ डाटा, आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू. हम फुट नोट के बाद वहाँ पे सोर्सेज ऑफ डाटा इज़ गिवन. साइज़ ऑफ कॉलम, साइज़ ऑफ कॉलम मस्ट बी यूनिफॉर्म. हम कहेंगे कि सभी जो हमारे कॉलम्स हैं उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, नहीं कि कहीं हम ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं हम कम ले रहे हैं. रूलिंग ऑफ कॉलम, कॉलम मस्ट बी डिवाइड इन टू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ द डाटा. जो जो कॉलम है वो हम डिवाइड कर लेंगे. जैसे हमने कहा कि हमें यहाँ पे दो ही कॉलम चाहिए थे, हमने मेल एंड फीमेल ले लिया. ठीक है. अब हम इसको आगे कर देते हैं मेल एंड फीमेल को, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, हम वहीं पर सब कॉलम्स वहाँ पर बनाते हैं. ठीक है. जब हम कहते हैं रूरल और अर्बन एरियाज हम लेके चल पड़ते हैं, तो हम वहाँ पर जो रूलिंग है कॉलम का वो क्लियर करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव. अ टेबल मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए. सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. उसको देखते ही हमें पता चल जाए कि इसमें हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. एंड दैट इज़ मोटिवेशन फॉर मी फॉर द कमिंग वीडियोज़ ऑन द सेम सब्जेक्ट. आई विल कम्प्लीट द होल सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.